अरे बचा लो हिंदुओं, मोदी को लियाओ, बीजेपी को लियाओ, नहीं तो हिंदू तो मारा जाएगा, मुसलमान मार डालेगा। अरे भाई क्यों इस देश को मूर्ख बना रहे मोदी साहब, कोई ना खतरे में कोई नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना इस देश का लोकतंत्र खतरे में, लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे गिरी हुई सरकार, इससे घटिया सरकार मेरे ख्याल से तो आज तक मैंने तो देखी, पूरे देश में आग धधक रही है, पूरे देश का नौजवान आज सड़कों पर है, पूरे देश के नौजवानों की कमर तोड़ दी सरकार ने, इन बच्चों की किस्मत के ऊपर ऐसा हथौड़ा चलाया सरकार ने, हमेशा हमेशा के लिए इनको खारिज कर दिया गया, यानी कि अगला जन्म में लेकर के ये सैनिक बन सकते, इस जन्म में तो बेचारे सैनिक नहीं बन सकते, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऑपरेशन में चले गए, अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो ये बच्चे संकल्प लेके आए हैं 2024 में क्या करोगे भाई, ये सरकार बदल देंगे 2024 में, ये गारंटी है, पागल नहीं है, पहले वक्त में ये भलो लेते थे, लोगों को मूर्ख बनाते थे, लेकिन अब देश का एक एक नागरिक जाग चुका है, इनको सबको सिखाएगा, सबक सिखाएगा, विरोध करना, आप लोगों का विरोध कर रहे हैं ये संसद में बैठ के, तो आप लोग भी विरोध करो इनका, 1.5 लाख बच्चे मोदी साहब, ये हम यकीन दिलाते हैं आपको, ये 1.5 लाख बच्चे, एक एक बच्चा कमर कस के चुनावी मैदान में कूदेगा, 2024 में आपको इस सत्ता से बाहर करेगा। मोदी जी आप तो एक पिता है नहीं, अगर आप पिता रहते तब इन बच्चों का तकलीफ और दुख समझ पाते, मोदी जी अगर थोड़ा भी आपके अंदर इंसानियत बचा है तो कम से कम हमारा मतलब जो हक है उसे हक दे दो, एक आपके गलत फैसला की वजह से हम सभी आज रोड पे भटक रहे हैं, हमारा हक केवल आपने छीना और राजनाथ सिंह ने छीना, आप दोनों मिलकर हमारा हक छीना है। देख रहे हैं जनित आवाज, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहां आप देख सकते हैं जो युवा हैं वो आए हुए हैं यहां पे, पैदल यात्रा करके आए हैं चंपारण से दिल्ली के जंतर मंतर तक, ये लोग पैदल आए हैं, लगभग 24 अक्टूबर को इन लोगों ने चलना स्टार्ट करा था, 40 दिन हो चुके हैं ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कल इनका पहला दिन था, इन्हीं से बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका आपका क्यों आना हुआ है यहाँ पे? बेटा ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं और देश के कोने कोने से आए हैं, ये इन्होंने यात्रा शुरू करी थी बिहार से चंपारण से, और वहाँ से पैदल अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं, जो कि सरकार जो सेंटर में बैठी है उस सरकार ने इन लोगों के बच्चों के किस्मत के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है, बहुत इन्होंने बेचारों ने सारे हर्डल्स पार किए, अपने गहने जमीन गिरवी रख करके इनके माँ बाप ने इनको कोचिंग करवाई कि हमारा बच्चा सेना में चला जाएगा, देश की रक्षा भी होगी और अपना भी घर का गुजर बसर होगा, इन्होंने सारी कठिनाइयाँ जितने भी जो बीच में टेस्ट होते हैं, दौड़ होती है, मेडिकल होता है, सब कुछ क्वालिफाई किया, लास्ट में सरकार ने इनकी भर्ती कैंसिल कर दी, यानी कि इनका जो सपना था, बहुत सारे बच्चों का तो स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रखा था, किसी का दिल्ली पुलिस में हो रखा था, इनको सिर्फ एक ही था सपना कि हम भारतीय सेना में भारतीय सैनिक बन के भारत के फौजी बन करके हम देश की सेवा करें, इनको उस सपने को चकनाचूर कर दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये बेचारे अपना हक मांगने के लिए, और ये इतने बच्चे नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये एक किस्म से मान के चलिए सांकेतिक धरना है, और पूरे देश में आग धधक रही है, पूरे देश का नौजवान आज सड़कों पर है, पूरे देश के नौजवानों की कमर तोड़ दी सरकार ने, अब से आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, इनका तो कैंसिल कर दिया, अब सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इनको खारिज कर दिया गया, यानी कि अगला जन्म में लेकर के ये सैनिक बन सकते, इस जन्म में तो बेचारे सैनिक नहीं बन सकते, इसलिए इन बच्चों ने ये संकल्प लिया है, या तो सरकार हमारा हक है वो दे दीजिए, अन्यथा 2024 में सरकार की जैसे सरकार ने इनकी किस्मत फोड़ी है तो ये भी सरकार की किस्मत। तो ये सब लोग कितने सालों से तैयारी कर रहे थे इस चीज़? ये बेटा लगभग 10-10 साल से इन बच्चों ने पसीना बहा है, अपना खून बहा है, 4-4, 3-3 बजे उठ करके अपने ग्राउंड में, अपने खेतों में, खलिहानों में जा जा करके दौड़ लगा करके इन्होंने उस मुकाम तक पहुंचे, इनको ये लग रहा था कि अभी तो हमें वो मौका मिल जाएगा, वो वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इन बच्चों की किस्मत के ऊपर ऐसा हथौड़ा चलाया सरकार ने कि मैं कुछ नहीं कह सकता, और आज भी इनके माँ बाप बेचारे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि बिल्कुल आया हुआ इनका मौका और इनसे छीन लिया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इन बच्चों ये बच्चे संकल्प लेके निकले हैं, यदि सरकार हमारी बात सुन ले, हम फौजी हैं, मैं तो एक फौजी हूँ, क्योंकि हम इनके गार्जियन के तौर पर इनके साथ खड़े हैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के जो सैनिक हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, यदि इन बच्चों की लड़ाई, यदि हम फौजी नहीं लड़ेंगे तो हम फौजी कहलाने के लायक नहीं है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, और पूरे देश के यदि सैनिक इन बच्चों के साथ हैं तो इनका इनको जरूर न्याय सरकार देने के लिए सोचना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो ये बच्चे संकल्प लेके आए हैं
2024 में क्या करोगे भाई? बदलाव, ये सरकार बदल देंगे 2024 में, ये गारंटी है। जो अग्निवीर योजना आई है उसके बाद ये सब हुआ है कि उससे पहले से ये सब चल रहा है? ये अग्निवीर योजना जैसे ही लेके आए, उससे पहले ही दो साल इनको इंतजार करते रहे, करवाते रहे, आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा, आपका ज्वाइनिंग अभी आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आया। लास्ट में अग्निवीर योजना ला करके उनकी भर्ती को रद्द कर दिएगा। इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य, जितना मोदी साहब ने किया था, दो दो करोड़ नौकरियों की बात कही थी, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो सारे के सारे सपने, मैं कहता हूँ जब से मोदी सरकार आई है इस देश में, पूरे देश के नौजवानों की कमर तोड़ के रख दी है। हमारे किसान, क्योंकि जवान किसान किसान का बेटा होता है, ये सारे बच्चे गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, ये किसी धंधा सेठ के घर से नहीं आते, किसी फैक्ट्री मालिक के घर से नहीं आते, ये गरीबों के घर के बच्चे हैं। गरीब मजदूर किसान अपने पेट को काट करके, अपना लुखा सूखा खा करके इन बच्चों को उस लायक बनाता है कि ये हमारे देश की रक्षा करें, हमारा देश का भी, हमारे घर का भी उद्धार हो। लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे गिरी हुई सरकार, इससे घटिया सरकार मेरे ख्याल से तो आज तक मैंने तो देखी नहीं। मेरी 55 साल एज हो गई है और सैनिक भी हमारे 10 महीने से बैठे हैं, 10 महीने से जंतर मंत्र पर बैठे हैं, लेकिन 10 महीने से यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर हमारे प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएम का जो बड़ा बड़ा यहाँ पर संसद है, लेकिन सैनिकों को अभी तक नहीं बुलाया। सैनिक भी पिछले 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें न्याय मिले। इस देश के किसानों ने 13 महीने बॉर्डरों को रोका, लेकिन किसानों को भी अभी तक MSP नहीं मिला है। आज पूरा देश दुखी है, आज पूरा देश दुखी है। अगर सुखी है तो इस देश के अडानी अंबानी सिर्फ दो ही ये सुखी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ये सुखी हैं। देश के कॉरपोरेट घरानों का 16 लाख करोड़, कितना 16 लाख करोड़ माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ माफ नहीं हो सकता इस देश में। बड़े दुर्भाग्य की बात है और हम इनको बड़ी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार बोलते हैं। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं, ये वीडियो इतना फैलाएं कि एक एक गांव गांव तक जाना चाहिए। ये जो अग्निवीर योजना के बाद इन लोगों का सब रद्द कर देगा, 2 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये जो योजना लाए, कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे ना कि भला हो सके युवाओं का? क्या सोच समझ के लेके आए? सरकार सिर्फ लेके आई है तो जो हम फौजियों की पेंशन, सरकार के ऊपर जो बर्डन बन रही थी, उनके ऊपर बोझ बना था, उसको हटाने के लिए अग्निवीर के जो माध्यम से जाएंगे, उनकी पेंशन नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अपना बोझ दूर करने के लिए सरकार ये योजना लेके आई। अरे तुम अपनी एक एक नेता 10-10 पेंशन ले रहा है, एक एक नेता 10-10 पेंशन ले रहा है, लेकिन इन जो देश के लिए कुर्बानियां देता है, देश के लिए रक्षा अपने करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाता है, उसकी पेंशन नहीं दे रहे। आज हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मैं रामलीला मैदान में देख रहा हूँ, कई लाख लोगों ने शिरकत की, यानी कि इस देश में कर्मचारी उनको पेंशन नहीं, लेकिन इस देश में नेता 5 साल देश को लूटते खाते हैं और दोबारा फिर आ जाते हैं सत्ता में पैसे के दम पर। उनको पेंशन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, हवाई जहाज के किराए माफ है, सब कुछ माफ है, ना उनका टैक्स है ना कुछ नहीं है, लेकिन इस देश में अगर दुखी है तो आम गरीब किसान मजदूर और उसके बेटे, वो सब दुखी हैं, ना उनको पेंशन की जरूरत है, वो बेचारे भेड़ बकरी बने रहें, इनका वोट डालते रहें, इनको आका बनाते रहें और ये पूरे देश के अंदर खौफ पैदा करते रहें। इस देश में अब चुनाव में कोई विकास के कार्यों का नाम नहीं लिया जाएगा 2024 में एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा, अरे बचा लो मोदी साहब को, लिया हो नहीं तो हिंदू मारा जाएगा, क्यों सही कहो ना, यही आएगा, अरे बचा लो हिंदुओं, मोदी को लिया हो, बीजेपी को लिया हो, नहीं तो हिंदू तो मारा जाएगा, मुसलमान मार डालेगा। अरे भाई क्यों इस देश को मूर्ख बना रहे हो मोदी साहब? कोई ना खतरे में कोई नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना इस देश का लोकतंत्र खतरे में। ऐसे ही कांग्रेस है, कांग्रेस अभी खौफ पैदा कर रही है, पैनिक क्रिएट कर रही है, अरे बचा लो मोदी को, हटा लो, अगर मोदी जीत गया तो जो है ना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये दोनों एजेंडे सेट करते हैं, ऐसी कांग्रेस है, ऐसे ही भाजपा। मैं अकेले बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, सारे नेताओं ने देश का नाश किया है, इस देश को लूटा है। आज इन नेताओं के घरों में ईडी का छापा पड़ता है, एक एक नेता के घर में नोटों की बंडलों के चट्टे मिलते हैं बेटा। ये राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है, ये राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है, ना कि पैसा कमाने का। इनको ऊपर चोट लगेगी। अब पूरा देश का नौजवान जवान किसान जाग चुका है, हम पागल नहीं है। पहले वक्त में ये भलो लेते थे, लोगों को मूर्ख बनाते थे, लेकिन अब देश का एक एक नागरिक जाग चुका है, इनको सबको सिखाएगा, सबक सिखाएगा। आप लोग इतनी दूर से, कई किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, तो मतलब रहने खाने का कैसे इंतजाम करते हैं यहाँ पे? आप आंदोलन करें, किसी का घर तो यहाँ पे होगा नहीं आसपास, तो फिर कैसे इंतजाम करते हैं?
इनका इंतजाम तो ये खुद अपने घर से ले आए हैं, पैसा वो खर्चेंगे, होटल में खाएंगे और कौन बंदोबस्त करेगा, कोई पार्टी थोड़ी है ये इनकी। ये तो बेचारे गरीब और किसान के बच्चे हैं और इनको तो मदद देने के लिए के इनके पैसे खोसे और जाएंगे। लूटमार होगी, इस दुकान पर चले जाओ वो 80 रुपये की थाली होगी तो 120 लेगा, और चाय का कप अगर 10 रुपये कहीं मिलता होगा तो ये 20 का देंगे, अगर बोतल की पानी की मिलती होगी वो भी 40 रुपये से 20 रुपये से कम नहीं होगी। तो ये अग्निवीर पर एक लाठी है, जो बेचारे नए भर्ती होने थे, नए नए चेहरे मुस्कुराते हुए, अगर इन्होंने अपना फिजिकल किया, मेडिकल किया, तो इनको नौकरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई रक्षा मंत्री जी? भाई रक्षा मंत्री के पर खिलाफ बोलोगे कि नहीं? जोर से बोलना, जब भी लखनऊ में इसका बेटा खड़ा हो या लड़का खड़ा हो तो भाई इनका विरोध करना। क्यों आप लोगों का विरोध कर रहे हैं ये संसद में बैठ के? तो आप लोग भी विरोध करो इनका, जब तक सड़क पर विरोध नहीं होगा इनको लक्ष्य इनका प्राप्त नहीं होगा, इनको बिल्कुल मिटाना है। और अग्निवीर लिया के पेंशन बेरोजगारी लिया दी, 4 साल अग्निवीर योजना में एक एज कैटेगरी डिसाइड कर दी कि 21 साल तक ही, तो इनकी एज अब है उतनी कि ये लोग जा सकते हैं? नहीं है ना, इनकी एज तो लिकट चुकी, 2 साल तो कोरोना में बेकार दिए लोग, उसके बाद कहां अपनी अग्निवीर लिया के योजना लागू कर दी, इनकी उम्र लिकड़ की कहां से हो? और इतने बच्चे नहीं है, कितने बच्चे इफेक्टेड है? 1.5 लाख। 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने सारा एडल्ट पार किया था, 1.5 लाख बच्चे इफेक्टेड हैं, और वो 1.5 लाख बच्चे अभी बम और विस्फोट बन गए, यानी कि चुनाव में निकलेंगे मोदी साहब ये बच्चे निकलेंगे? क्यों भाई कमर कस के निकलोगे? नहीं, 1.5 लाख बच्चे मोदी साहब, ये हम यकीन दिलाते हैं आपको, ये 1.5 लाख बच्चे, एक एक बच्चा कमर कस के चुनावी मैदान में कूदेगा, 2024 में आपको इस सत्ता से बाहर करेगा। क्यों भाई बच्चों? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी आप तो एक पिता है नहीं, अगर आप पिता रहते तब इन बच्चों का तकलीफ और दुख समझ पाते, क्योंकि एक पिता आज मैं मतलब जितना दिन से 2-3 दिन से हूँ यहाँ पे, ये पिता का फर्ज निभा रहा है, इनका बच्चा लगभग एयरफोर्स का भी, इनका भी बच्चा एयरफोर्स का सारा मतलब क्लियर कर चुके हैं प्रक्रिया, और वो दिल्ली पुलिस का उनका एग्ज़ाम है, वो लड़का एग्ज़ाम देने गया है, लेकिन वो बोले कि बेटा मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा, और हमारे साथ मतलब 2 दिन से है, और ये बुरा किया है इन बच्चों के साथ, इतना बुरा किया गया है, जब ये पहले फिट थे या तो इनको धोखा क्यों दिया, उसी टाइम मना कर देते, जब 2 साल तक आश्वासन देते रहे आपकी ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद में इनको एक योजना ला के कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो अब ये कहाँ जाए? इनकी उम्र निकल गई, समय सीमा सब खत्म हो गई, इनके पास कितना खर्चा लगाया था, कितनी सारी मेहनत की थी, ऐसे थोड़ी ना मतलब 1 मिनट में योजना लाए और इनको मना कर दिया, अब ये कहाँ जाए? इन्होंने नौकरी छोड़ सवाल वही उठता है ना कि अब एज कैटेगरी निकल गई है, तो अब ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने नौकरी छोड़ दी, ग्रुप डी की छोड़ दी, किसी ने दिल्ली पुलिस की एसएससी जीडी की छोड़ दी, असम राइफल का जॉब छोड़ा, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी के पास तो कोई बेटा है नहीं, वो क्या समझेंगे बेटे का दर्द क्या होता है, किस तरह लड़के मेहनत करते हैं, उनका परिवार तो है नहीं, हम समझ रहे हैं हम किस तरह अपना दौड़ क्लियर किए हैं, किस तरह मेहनत करके अपना ये प्रक्रिया पूरी किए हैं, मोदी जी अगर थोड़ा भी आपके अंदर इंसानियत बचा है तो कम से कम हमारा मतलब जो हक है उसे हक दे दो, क्योंकि हम इससे मतलब लगभग 1.5 लाख युवा परेशान है, एक आपके गलत फैसला की वजह से हम सभी आज रोड पे भटक रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा भी दया है, थोड़ा भी आपके अंदर मतलब समझिए कि इंसानियत बचा है, तो कम से कम हमारा हक दे दो आप, सारा मेरा छठ दिवाली दशहरा मेरा ही नहीं लगभग 1.5 लाख युवा का कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता, जब तक आप सेटल नहीं होगे, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगी तब तक कोई त्यौहार अच्छा नहीं लगता है,
हर लड़का का एक ही सपना होता है कहीं ना कहीं सेट हो। हमने तो सारा क्लियर कर रखा था मोदी जी, फिर भी आपने क्यों छीन लिया हमारा? हमारा हक केवल आपने छीना और राजनाथ सिंह ने छीना, आप दोनों मिलकर हमारा हक छीने हैं। हम कहीं ना कहीं आज सेटल रहते, कहीं ना कहीं आज जॉब कर रहे होते या किसी न किसी विभाग में रहते, लेकिन आप भ्रम में रखकर आर्मी की भर्ती रद्द करके हमारा 2 साल एज भी खाया और हमारा जिंदगी भी भविष्य कर। और आप कहते हैं 2 करोड़ रोजगार, हम 1.5 लाख जो निकाल कर बैठे हैं उसे तो आप रोजगार दे ही नहीं रहे, और 2 करोड़ को कहाँ से आप रोजगार दे दिए? झूठा भ्रम में मत रखिए युवाओं को, अब युवा जग चुके हैं। अगर आप इस बार हम लोगों का हक नहीं देंगे तो पूरे देश में घूमकर मैं विरोध करूंगा। मैं क्षत्रिय हूं और मैं प्रण लिया हूं, अगर आप नहीं हमारा हक देंगे, 1000 किलोमीटर से चल के आया हूं, पूरे देश में घूमकर आपका विरोध करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैडम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो यहाँ पे ये लोग जो देखिए मैडम, ये नौजवान जो है ना, आप जानती हैं कि हमारे देश के असली जो है कार्यकर्ता कौन है? देश के कर्णधार इन नौजवानों को, इन युवाओं को बोला जाता है। आज ये युवा जो है बहुत दूर से चल के, बिहार से चल के, मद्रास से चल के आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अग्निवीर जो इन्होंने लागू किया, इन्होंने अग्निवीर को कैंसिल क्यों किया बताइए? जब ये एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के जब एग्जाम पास कर गए थे और इनको भरोसा दिया गया था कि आपको ज्वाइनिंग जाएगी, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया। अग्निवीर भी जो है ना वो ले आए, तब तक इनकी उम्र खत्म हो गई थी। बताइए अब क्या करेगा? इन्होंने 10-10, 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बोली थी, कहाँ गई नौकरी? तो चुपलेबाजी, झूठे भाषण से नहीं चलेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, आप लोग कान खून करके सुन लीजिए कि हमारे देश के नौजवान अब जागृत हो चुके हैं, और आपको आने वाले 2024 में सख्त से सख्त जो है ना परिणाम देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार के साथ है, अगर आपका सारा प्रोसीजर पूरा हो जाए, इलेक्शन हो जाए और आपकी चुनाव में आप जीत भी जाएं, और फिर आपको जब सरकार बनानी हो उस टाइम से आपसे पूछा जाए, अब अभी आपकी सभी चुनाव खत्म किया जाता है, इलेक्शन दोबारा हो गया, क्या आप इस बात आप सहन कर पाओगे? तो यही पूछना है मेरे से, इन बच्चों के साथ न्याय करो आप। मैम, मोदी जी यूँ तो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, बताना चाहूँगा 1.5 लाख में से 20 हज़ार के आसपास जो है MNS की भर्ती होती थी मिलिट्री में, नर्सिंग स्टाफ की, उसमें गर्ल्स होती हैं, ठीक है। CMP की बच्चियाँ थी, वो भी थी शामिल इसी में, तो उनके साथ भी गलत हुआ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ सही है तुम्हारा? ये देखे, तुमने उनको भी धोखा ही दिया है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे भरोसा करा था कि भाई हम भी लड़ रहे हैं, तो वो भी साथ थे हमारे लड़ने के। तो 1.5 लाख का मतलब है कि 1.5 लाख में जो बच्चे, लड़के हैं, लड़की हैं, सब हैं उसमें शामिल, अकेले कोई लड़का नहीं है अकेले। तो हमने इन लोगों से बात करी, लोग जो 1.5 लाख जो ये युवा हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आधे लोगों ने सुसाइड भी कर ली, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2 साल से ये लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बाद भी, इंतजार के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। यहाँ पे ये लोग इनको 40 दिन जो चल के आए हैं, पूरे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा यहाँ पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको एक उधर भी दिखा देते हैं, जो पूर्व सैनिक है उनको 10 महीने से ज्यादा हो चुका है, उनका भी धरना चल रहा है, MSP नहीं दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो आज के युवा आए हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ तक इनकी सरकार सुनती है। ये लोग कह रहे हैं कि जो हमने सपना देखा था फौज में भर्ती होने का, क्या वो सपना गलत था? देश के सेवा करने का क्या वो सपना गलत था? लेकिन सरकार पे यही सवाल उठता है कि जो एज कैटेगरी उन्होंने 21 साल जो डिसाइड करी है, इनकी एज भी निकल चुकी है, अब ये लोग क्या करेंगे?